नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यांजलि आईएएस में। और डेट है आज की 2024। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय जनवरी 2022 का सारा करंट अफेयर, और इससे पहले हमारे 26 पार्ट्स आ चुके हैं। आप एक बार उनको सीरीज वाइज देख लें, अगर इसमें से कुछ भी हमारा बचेगा तो फिर उसको भी हम कवर करेंगे, चाहे हमें कितने भी पार्ट्स बताने पड़े। और इसके अलावा जब हमारा जनवरी का एंड हो जाएगा, 2022 की जनवरी का, फिर हम कवर करेंगे दिसंबर 2021, उसमें से इम्पोर्टेंट मीन्स हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक साल का, कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर आपके साथ में डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर पूछता है तो लगभग एक साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहाँ कभी कभी जो है एक साल से थोड़ा और लेट का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। बाकी सब आप देख ही रहे, नैट, जेआरएफ, पीजीटी, जेएनयू, बीएचयू, डीएचयू, सॉरी डीयू, बीए, एमएससी, क्लैट वगैरह, इनके जो एग्जाम्स हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनका बेसिक भी डिस्कस करते हैं और फिर उसका एडवांस, ठीक है। तो जिन लोगों ने अपना बेसिक कभी पूरा नहीं किया है तो उनको भी यहाँ पे समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो अभी हमारी शायद 2-3 दिन तक हमारी इकोनॉमी को हम कवर करेंगे जनवरी के मंथ में, अर्थात जनवरी 2022 में क्या करंट अफेयर रहा जनवरी में, उसको हम कवर करेंगे। तो अभी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी को कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस को कर लिया है, फिर धीरे धीरे करके इकोलॉजी, ज्योग्राफी और आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक वगैरह, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर यहाँ को बहुत आपको कॉम्प्रहेंसिव रूप में मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई आप ये स्टेटमेंट्स को देखिए कि जो ऑपरेटिंग रेशियो नामक जो टर्म है, ठीक है, ये किस से जुड़ा हुआ है? इंडियन रेलवे से। एंड इट इज गुड इफ इट इज मोर देन 100। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग रेशियो जो है रेलवे से जुड़ा हुआ है और ये अच्छा होता है अगर ये 100 से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि इंडियन रेलवेज हैड ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ मोर देन 90%, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि 2019 और 2020 में जो इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो वो रहा है 90% से ज्यादा, क्लियर। तो अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चंस का आंसर है क्या। हम आपको यहाँ पे देखो पॉइंट दिखा देते हैं कि देखो इसका आंसर क्या है, बी है। क्यों है बी इसका आंसर? बी इसलिए है कि केवल जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। पहले वाले स्टेटमेंट में बाकी सारी बातें सही है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी की सारी बातें इसमें करेक्ट है कि ये जो है रिलेट करता है इंडियन रेलवे से, यस ये करेक्ट बात है। लेकिन इसमें गलती कहाँ पर है कि इट इज गुड, अगर ये 100 से ज्यादा हो 100 से तो ये अच्छा होता है, नहीं ये गलत है। अब आप समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग रेशियो हो क्या होता है, ओआर क्या होता है। आप सपोज कीजिए कि आप एक किसान है, ठीक है, और यदि आपको वहां से 50 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, यदि आपको 50 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो इसका मतलब खराब है। मींस तो यहां पर सिंपल सी बात क्या होगी कि ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। तो व्यक्ति को 100 रुपये कमाने के लिए जितने कम रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मान लीजिए उसको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और 100 रुपये उसने कमा लिए तो ज्यादा अच्छा रहा। अगर उसने 2 रुपये इन्वेस्ट किए और फिर 100 रुपये कमाए तो थोड़ा कम अच्छा रहा, और उसने अगर 98 रुपीज का खर्चा किया फिर उसने 100 रुपये कमाए तो भाई 2 रुपये की तो बचत हुई उसकी। तो इसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो कब अच्छा होगा ये, तो भाई ये 100 से जितना कम की तरफ होगा उतना ही अच्छा होगा। हाँ ये 90% से ज्यादा है क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अभी जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि भाई इंडिया का जो ऑपरेटिंग रेशियो है इंडियन रेलवेज का वो 98.36% के आसपास रहा, और इसमें भी हमारा जो ट्रू फाइनेंशियल नेचर है हमारी रेलवेज का वो इसमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? कि हमारे जो कैग है
उसका कहना है कि यदि हम रेलवे कर्मचारी को जो पेंशन भी देते हैं उसको भी अगर ऐड कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 114.35%, 35%। इसका मतलब तो रेलवे, अब आप बताइए मेरे को, रेलवे जो है घाटे में काम करेगी इस ऑपरेटिंग रेशियो पर या प्रॉफिट में काम करेगी, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, आप कमेंट्स में बताइएगा। आपको देखना धीरे धीरे करके जीएस को इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर के साथ में, कि आपकी जीएस के अदर पार्ट्स भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अच्छा आप देखो, आपके लिए क्वेश्चन, चलो क्या आप मेरे को बताइए कि सीएजी क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। ठीक है, आप ये बताइएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट आरबीआई अप्रूव्ड फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। सिंपल सी बात क्या है कि आरबीआई ने अभी डिजिटल पेमेंट्स को ऑफलाइन मोड में स्टार्ट करने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और उसमें अप्रूव भी कर दिया है उसको, उसके रिगार्डिंग हमें ये स्टेटमेंट्स देखने हैं। तो पहली बात, पहला स्टेटमेंट है कि द पेमेंट्स कैन बी कैरिड आउट फेस टू फेस यूजिंग कार्ड्स, वॉलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस। तो इनको यूज करके ऑफलाइन मोड में पेमेंट कर सकते, जैसे कार्ड क्या हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वॉलेट आपको पता है जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया, आपके फोन पे का वॉलेट हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक वाला होता है, ये बहुत सारे होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, आप सब जानते हैं। दूसरा क्या, अपर लिमिट फॉर इंडिविजुअल ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन इज 200, कि आप ऑफलाइन मोड में केवल कितना एक बार में कर सकते हो, 200 रुपये। ठीक है, सच ट्रांजेक्शन रिक्वायर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आपको एक एक करके हमें यहाँ पर तीन चार चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये ऑफलाइन मोड होता क्या है। तो ऑफलाइन मोड क्या होता है कि जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी की आवश्यकता ना हो और फिर भी पेमेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन मोड। दूसरी बात, ये डिवाइसेस वगैरह फेस टू फेस यूज होंगी वहां पे, ठीक है यूज होंगी, और 200 रुपए की लिमिट है या नहीं है, एक हमें ये पता होना चाहिए, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता है या नहीं है, तो ये हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो भाई, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, बी। अब आप देख लीजिए कि बी में ऐसा क्या था, बी में था कि भाई एक और दो, केवल ये फर्स्ट स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बाकी ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर, तो देख लीजिए आप कि एन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट डू नॉट रिक्वायर, हमारी बात क्लियर हो गई, इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसको नहीं चाहिए। हाँ, डिजिटल पेमेंट को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा देखो, सच ट्रांजेक्शन वुड नॉट रिक्वायर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, इसमें बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए तो ये ऑफलाइन हो पाएगा। अगर बार बार ओटीपी वगैरह उसकी आवश्यकता होगी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की, तो फिर बहुत सारे मीन्स फैक्टर्स हमें नीड होंगे, तब हमारा ट्रांजेक्शन हो पाएगा। देखो, अपर लिमिट उसकी कितनी है, एक बार में 200 रुपये है, ठीक है, ओवरऑल लिमिट की अगर हम बात करें 2000 रुपये की है, ये इतना हम कर सकते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके बाद एसएमएस वगैरह हमको क्या होता है उसमें रिसीव होता है। इसकी ज्यादा टेक्निकल डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, कैसे काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह, उस सब हमें मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DSII, ठीक है। ये इनमें से कौन कौन सी ऐसी हैं जो डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स हैं इंडिया में, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली ये जो इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स क्या होते हैं, तो इनमें लिस्ट दी हुई है उन्होंने क्या, कि LIC है या नहीं है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या नहीं है, न्यू इंडिया अश्योरेंस है या नहीं है। तो अभी आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल करके, देखो ऑप्शन इसने यहाँ पे क्या हमको करेक्ट लिख रहा है, ऑप्शन डी, तो आप ऑप्शन डी में देख लीजिए क्या है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, क्यों है और क्या है, इसको हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक डिस्कशन की हम बात अगर करें तो डोमेस्टिक जो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट जो इंश्योरेंस क्या होते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं देश के लिए कि ये इनका फेल होना, एक तो ये फेल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट की निगरानी में होते हैं, ठीक है, इरडाई का इन पर सुपरविजन होता है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RTO होता है, डेवलपमेंट एंड
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका यहाँ पे। तो ये सब इसमें होता है, तीन हमारी इसमें है, LIC है, GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी इसमें किसमें शामिल है, तो तीन इसमें शामिल है। और इनका काम क्या होता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, और ये डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक मतलब घरेलू रूप से, मतलब देश के अंदर ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ GDP आर द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑफ हाउ GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन दैट फाइनेंशियल ईयर। सिंपल बात इसमें ये पूछी गई है कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं GDP के, ठीक है, वो आर द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स, ये फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स होते हैं किसके, कि भाई GDP आने वाले समय में कैसे काम करेगी, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। नेक्स्ट बात कि दे आर रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है, ठीक है, और क्या कि दे आर यूज्ड टू डिसाइड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स बजट एलोकेशंस, और क्या वो अगले साल जो बजट एलोकेशन होने वाला है किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अब आप समझ लीजिए, देखो कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो होते हैं वो बताते हैं, भाई देखो एडवांस की बात यहाँ पर सिंपल हो रही है, आपको नहीं भी बताया तब भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि एडवांस एस्टिमेट्स हैं, मींस वो चीजें हमारे पास आई नहीं है, फिर भी हम एक जनरल सा आइडिया लगा रहे हैं कि हमारी जो GDP है वो लगभग कितने परसेंट पर क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो हाँ, ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो होते ही है, ऑफिशियल एस्टिमेट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ही तो रिलीज करती है, तो गवर्नमेंट कर रही है तो ऑफिशियल है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि GDP कितने रेंज में ग्रो करेगी। दूसरा, दे आर रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ना यही बात गलत है इसमें कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज नहीं करती है। अच्छा, दूसरा, दे आर यूज्ड टू डिसाइड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स बजट एलोकेशन, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब बजट पेश करती है तो इन एस्टिमेट्स की वजह से, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, इनकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये आइडिया लग जाता है कि बजट के लिए कितना पैसा चाहिए किसी डिपार्टमेंट को, किस और मींस गवर्नमेंट कितने का बजट लगभग पेश करेगी, वो सारी चीजें यहाँ से धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को एक आइडिया जनरल सा लग जाता है। तो देखो, केवल स्टेटमेंट टू इसका क्या है, इनकरेक्ट है, क्लियर। अगर आपको इसमें से एक स्टेटमेंट भी पता है कि भाई टू गलत है, तो जहां जहां टू होगा वो सब गलत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, देखो ये रॉन्ग हो गया, अब ये रॉन्ग हो गया, क्लियर। और तो हमारे पास क्या बचा, 1 और 3 बचा, आपको हल्क मीन्स ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर देख लो कि ये मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करती है इसको रिलीज, बस आप ये इसमें, बल्कि करती कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके एस्टिमेट्स को निकाल करके देती है, बस इतना सा आपको करेक्ट करना था, जो हमने पीछे यहाँ पे देखा था कि इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, नहीं, इसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये करती है इसको, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब हमारा अभी हमने डिस्कस करी थी आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि रियल GDP इज द GDP डिराइव्ड आफ्टर एडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कि भाई रियल GDP अगर हम प्राप्त करते हैं वो तो हमें कब मिलती है, वो तब मिलती है जब हम उसमें ऐड कर देते हैं क्या, इन्फ्लेशन को। तो ये बात कुछ आपको जच रही है, चलो आप बताओ, अपने मन में सोचना है। देखो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको यहाँ देख करके स्क्रीन पर अपने मन में सॉल्व करना है, फिर आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं, आपको आइडिया होता चला जाएगा कि हमारा आपका कॉन्फिडेंस सही है या गलत है, कि तुक्के लग रहे हैं या आपको चीजें आ रही हैं, और धीरे धीरे सारी चीजें आपकी कवर होती जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल GDP जो होता है वो दिखाता है कि देश में कितना इन्फ्लेशन रहा उस किसी फाइनेंशियल ईयर में, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगर पहला इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, जब भी हम इस प्रकार से स्टडी करते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन हमारा क्यों रॉन्ग है, वो वाला स्टेटमेंट, तो हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग क्यों है, इन्होंने क्या कह दिया कि एडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बात समझ में आ गई।
अगर ऐड करने के बाद हमको रियल जीडीपी मिलेगी तो नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। कल जबकि होता क्या है कि मान लीजिए हमारी है जीडीपी 100 रुपये, ठीक, और महंगाई की वजह से ये जीडीपी हो गई 110 रुपये। तो ये अब मींस रियल जीडीपी हमारी क्या होगी, इस 110 में से जब हम ये 10 रुपये माइनस कर देंगे तब रियल वाली आएगी, वरना ये कौन सी रहेगी, ये तो हमारी नॉमिनल रहेगी। बात समझ में आ गई। अब आपको अगर ये पता है कि जीडीपी क्या होती है तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे, चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे मोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ जीडीपी क्या होती है। कि ये हमारा मान लीजिए इंडिया एक कंट्री, इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी बनाया गया, उस सब का फाइनल मूल्य, फाइनल वैल्यू उसकी। बात समझ में आ गई। अब उसके अंदर क्या भाई प्रोडक्शन हो सकता है, किसका, दो चीजों का, या तो सर्विसेज होंगी और या होगा क्या गुड्स। बात समझ में आ गई। ये तो दो चीजें होंगी, इन सब का वैल्यू अगर हम टोटल करते हैं तो उससे निकल करके आती है जीडीपी। बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि गुड्स में बनाए गए ब्रेड, ब्रेड ठीक है, ब्रेड मान लीजिए था 10 रुपए का, लेकिन महंगाई की वजह से वो होता 15 रुपए का। तो अब जो हमारी जीडीपी निकल के आएगी उसमें 15 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे 15 रुपए ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब रियल जीडीपी नहीं आ रही है, तो महंगाई की वजह से आ रही है, क्योंकि वो फालतू में महंगाई बढ़ गई, उससे हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। बात समझ में आ गई। जबकि अगर ये महंगाई नहीं बढ़ती तो हमारे रियल जीडीपी हमको पता चलती कि एक्चुअल में हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। बात अब शायद आपको क्लियर हो गई होगी, और नहीं होती है तो आप कमेंट्स में करके प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से डिस्कस करके बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। अच्छा देख लो, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ये हमको दिखाते हैं एक्चुअल में कि भाई देश में इन्फ्लेशन कितना रहा, कैसे। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल क्या रहा, मान लीजिए टमाटर जो थे, टमाटर आ रहे थे 20 रुपए किलो, ठीक है, 20 रुपए पर केजी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, और यही टमाटर महंगाई बढ़ने की वजह से आने लगे 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी आने लगे। बात समझ में। तो अब आपको सोच लीजिए, देखो इसमें क्या कहा कि इन्फ्लेशन पता चल जाएगा। अगर हम पूरे देश की ये मान लें कि केवल टमाटर ही हमारे यहाँ उगता है तो जीडीपी कितनी रही, 20 रुपए, लेकिन महंगाई की बढ़ने से कितनी, 30 रुपए का बेका, तो हम क्या कह देंगे हमारी जीडीपी कितनी है, 30 रुपए। तो वास्तव में हमारी 30 रुपए थोड़ी है, 30 हमारा इतना उत्पादन थोड़ी हुआ टमाटर का, तो ये तो महंगाई की वजह से हमें बढ़ी हुई जीडीपी दिखेगी। तो यही मतलब होता है रियल जीडीपी में और नॉमिनल में। नॉमिनल में तो होता है कि हम जो वैल्यू होती है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और रियल जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो उसमें सिंपल सा मतलब होता है कि भाई उसमें से जो महंगाई है अर्थात इन्फ्लेशन है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ गई। उसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। तो ये सब आप देख लीजिए कि देखो रियल जीडीपी बराबर होती है नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन रेट को हम घटा देते हैं, क्लियर। और जो बजट के हम कैलकुलेशन करते हैं वो किससे करते हैं, नॉमिनल जीडीपी पर ही करते हैं। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी शोज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गई। तो उससे हमें पता चल जाता है कि देश में कितनी महंगाई है। तो आज के लिए हमारे पास ये 5 क्वेश्चन थे। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगर थोड़ा छोटे क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को नेट JRF वगैरह कुछ क्वालिफाई करना है, UPSC के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ना है, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप एक बार क्या करें, उनको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, आप डिसलाइक करना चाहते हैं, तो आप डिसलाइक करने की बजाय हमको क्या करके बता दें, आप कमेंट्स करके बता दें, जिससे कि हम जेन्युइनली उसमें क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें और आपके और फायदे की बातें उसमें हो। और आपको, हाँ, मेरे से किसी ने पूछा था कि PDF सर कहाँ से मिलेगी, तो PDF हमारी चैनल पर ही आप जाएंगे, जब YouTube चैनल पर, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप टेलीग्राम पर जाकर के विद्यांजलि विद्यांजलि IAS ऑफिशियल ऑफिशियल ये करके आप सर्च मार सकते हैं, तो आपको वहां से मिल जाएगी। आप चैनल को क्या कर सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली PDF हम वहां पे अपडेट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।